नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज, मैं रिजवी। आपको जैसा कि लगातार लोकसभा चुनाव की अपडेट हम बताते आ रहे हैं, उसी क्रम में फिर आपके सामने हाजिर है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को बिहार में पांच सीटों लोकसभा पर होने जा रहा है, जिसमें 86 उम्मीदवार इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं। और कहां कहां मतदान है वो आपको बताने जा रहे हैं। भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो बनी हुई है, सबसे ज्यादा जो देखने के लिए आ रहा है त्रिकोणीय, वो है पूर्णिया की सीट। इसलिए हम कह रहे हैं वहां पे पप्पू यादव ने अपना जो वादा किया था कि हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, वो करके दिखाया है। और वहां की जनता का जो रुझान है, जनता जो उनके लिए जो तत्पर है, देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। और खास के आरजेडी से बीमा भारती जो जेडीयू छोड़ के आई थी, और जेडीयू से है कुशवाहा, है संतोष कुशवाहा जी। त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला। लेकिन और पूर्णिया का जो हॉट सीट हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा और इंपोर्टेंट है, वहां पे तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी लगातार कैंप कर रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला वहां को देखने को मिलने वाला है, इसलिए कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी ने भव्य रोड शो किया जिसमें काफी तादाद में लोग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारी बहुमत से जीतने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव की झलके नजर आ रही हैं। पप्पू यादव का जो वहां पे नजर आ रहा है लोग में उत्साह, ये कहीं ना कहीं एक तरह से चैलेंज है। एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें उलट पुलट होने वाला है। पूर्णिया हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का ब्लैक कांग्रेस में किया, खास के पूर्णिया सीट के लिए हो सकता है। लेकिन जहां उनको टिकट ना मिलने से निर्दलीय पप्पू यादव पूर्णिया में कूद गए हैं, उसके लेकर भी और जबरदस्त हॉटसीट बना हुआ, वो तो अब देखने वाली बात होगी। 26 अप्रैल को दूसरा चरण का मतदान, लोकसभा पांच सीटों पर बिहार में 86 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।